गोलागतनी समाचार बटुए बिहार से एमएलसी चुनाव के संभावित परिणाम यानी कि अनुमान सर्वे का कह रहल बटुए भोजपुरिया समाचार एक एक सीट के बताई। खबर के अंत तक देखब सब कुछ बताई कि कहां से जीत सकत बड़ुए। तो जौन परिणाम आ रहल बा ओकरा में एनडीए गठबंधन के यानी कि जदयू गठबंधन के 15 से 17 सीट मिले के अनुमान बा। वो ये राजद गठबंधन के 5 से 6 सीट मिले के अनुमान बा। निर्दलीय टीम भी पीछे नहीं खे। खबर का बटुए विस्तार से जानी। बिहार विधान परिषद सदस्य एमएलसी के 24 सीट पे सोमवार के मतदान खत्म हो गई। परिणाम 7 अप्रैल के आई। अब जीत हार के चर्चा हर तरफ हो रहा बा। ऐसा में रिजल्ट से पहले भोजपुरिया समाचार संभावित रिजल्ट दे रहा बटुए। एमें 15 से 17 सीट जौन बटुए तवन एनडीए गठबंधन के मिल सकत बड़ुए। हालांकि पिछला बार 24 में से 21 सीट एनडीए के पास रहे। वही आरजेडी के 5 से 6 सीट और कांग्रेस के 0 से 1 सीट मिले के अनुमान बा। यह बार निर्दलीय 3 से 5 सीट पर चुनाव जीत सकता रन। रोरा सब है जानी कि के कहां से जीत सकता। पटना से पूरा चुनाव के दौरान पटना सीट के लेके आरजेडी काफ़ी सजग रहल। पहले एजा से रीतलाल यादव एमएलसी रहन। उनकर विधायक बनला के बाद इस सीट खाली हो गई रहे। इस सीट नाक के लड़ाई एह से भी बनल रहे कहे से कि लालू यादव खुद उम्मीदवार के ऐलान कैले रहन। वही जेडीयू के तरफ से सीएम नीतीश कुमार के खास वाल्मीकि सिंह के खड़ा कैल गई रहे। हालांकि चुनाव बाद आरजेडी के कार्तिक कुमार के पलड़ा अभी भारी बा। यानी कि एजा से आरजेडी के कार्तिक कुमार जीत सकता रन। भोजपुर बक्सर से जान ली। भोजपुर बक्सर से राधा चरण साह पहले भी एमएलसी रह चुकल बड़न। आरजेडी उनका सामने नया चेहरा अनिल सम्राट के टिकट दिले बा। बतावल जा रहा बा कि सम्राट सेठ के सामने ना टिक पई हन। भोजपुर में मात्र 2 ही उम्मीदवार मैदान में रहन। एहमें राधा चरण सेठ के जीते के संभावना ज़्यादा बटुए। गया से जान ली। गया जहानाबाद से एक बार फिर जेडीयू के मनोरमा देवी जीत सकतारी। बतावल जाता कि जौना तरह अपन स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि के मैनेज कैली ओकरा से जीत पक्का नजर आ रहा बा। नालंदा पूर्व के तरह रीना देवी भी जेडीयू से टिकट लेवे में कामयाब रही। उनकर पति राजू यादव आ उ मिल के जनप्रतिनिधि के बेहतर तरीका से मैनेज कैल लोग। यह कारण बा कि यह बार फिर से रीना देवी के एमएलसी बनल तय बटुए। रोहतास कैमूर में चल चली। रोहतास में आरजेडी के कृष्णा सिंह आ बीजेपी के संतोष सिंह के बीच कांटा के टक्कर बा। वही चिराग पासवान बीजेपी सांसद छेदी पासवान के लड़का रविशंकर पासवान के समर्थन दे के लड़ाई के कठिन कर दे बने। फिर भी सब मुश्किल के पार करके संतोष सिंह बीजेपी के आगे निकलत दिख रहल बड़न। औरंगाबाद से जान ली। चुनाव के आयन मौका पे औरंगाबाद से भाजपा के एमएलसी रहल राजन कुमार सिंह चुनाव लड़े से मना कर दिले तो आनंद फानन में दिलीप कुमार सिंह के उम्मीदवार बनावल गईल। हालांकि भाजपा खातिर सीट नाक के लड़ाई बनल बा। ऐसा में भाजपा अपन पूरा मशीनरी औरंगाबाद में लगैले रहे। बतावल जा रहा बा कि दिलीप औरंगाबाद के किला के जीत ली हन। सारण से भाजपा से एमएलसी रहल सच्चिदानंद राय के टिकट भाजपा अंतिम दिन में काट दिलस तो निर्दलीय चर्चा भ के चुनाव लड़े के ऐलान कर दिलन। राय ओजा के जनप्रतिनिधि के ऐसा मैनेज कैलन कि आज उनका जीत पक्का बतावल जा रहा है। यानी कि एजा निर्दलीय से जीत सकता रन। सिवान से जान ली। काफ़ी मशक्कत के बाद सिवान में मनोज कुमार सिंह भाजपा से विधान परिषद के स्थानीय निकाय खातिर टिकट लेवे में सफल रहलन। उ भाजपा आला कमान के सामने दावा कैलन कि वो लड़ाई के जीत लीहन। स्थानीय जनप्रतिनिधि के उनका बेहतर तरीका से मैनेज कैलन उ आगे बढ़े। दरभंगा से जान ली। सुनील चौधरी झारखंड के बड़ा बिजनेसमैन है एगो पत्रकारिता संस्थान के मालिक रहल बनन। चौधरी 2015 में जेडीयू से विधायक बनल रहन। 2020 में उनका टिकट कट गए। अब दरभंगा से भाजपा के टिकट पर एमएलसी चुनाव लड़ल बड़न। मानल जाता कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के बेहतर मैनेज कैले बढ़े लड़ाई में सबसे आगे बढ़े। पूर्वी चंपारण के लड़ाई त्रिकोणीय जरूर बनल बा लेकिन एजा से निर्दलीय महेश्वर सिंह जीत के करीब दिखाई दे रहा बड़न। महेश्वर सिंह आरजेडी से 2 बार विधायक रह चुकल बड़न। अगर महेश्वर सिंह एजा से चुनाव नहीं लड़त तो आरजेडी मजबूत दिखित। अब आरजेडी या बीजेपी दोनों के उम्मीदवार महेश्वर सिंह से हारत नजर आ रहा बड़न। पश्चिमी चंपारण से एंटी कैम्पेंसी काम करता। एनडीए प्रत्याशी राजेश राम पहले से एमएलसी रह चुकल बड़न लेकिन स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि के मुताबिक वादा पे खरा ना उतरलन। ऐसा में ओजा के स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि अब नया चेहरा आरजेडी प्रत्याशी सौरभ कुमार के अपन प्रतिनिधि बनावे के मूड बना चुकल बड़न। एजा से आरजेडी आगे मुजफ्फरपुर में जौन मिल रहा बटुए एकरा में दिनेश सिंह जेडीयू से टिकट लेवे में कामयाब रहलन। जीत के करीब दिखत
चौहत्तरन। वैशाली से आरजेडी के तेज तरार नेता सुबोध कुमार राय एक बार फिर से जीत के उच्च सदन में पहुँच सकतरन। सीतामढ़ी से शैलेंद्र कुमार उर्फ कब्बू खिरहर आरजेडी के उम्मीदवार बढ़न। इनका सामने जेडीयू रेखा देवी के उतरले बा आ कांग्रेस मूरी बेगम के। कब्बू खिरहर दोनों पर भारी निकलन, इनकर जीत पक्का दिखाई दे रहा बा। मुंगेर जमुई लखीसराय मुंगेर के हवा के तेजस्वी यादव अंतिम दिन में बदल दिले बड़े। यह वजह बा कि मुंगेर के लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवार गुड्डू यादव आरजेडी के खेल बिगाड़ दिले बड़न। जेडीयू उम्मीदवार संजय प्रसाद के लेके स्थानीय प्रतिनिधि में नाराजगी रहे, ऐसन में तेजस्वी आके अपन यादव जनप्रतिनिधि के एकजुट कैले बढ़न। एक बाद अजय सिंह के जीत पक्का बतावल जाता है। कटिहार से बीजेपी उम्मीदवार अशोक अग्रवाल कटिहार में जीत सकतरन। सहरसा मधेपुरा सुपौल बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू के पत्नी नूतन सिंह एक बार फिर से अपन भाग आजमावतारी, ऐसे जीत सकतारी। मधुबनी में आरजेडी मेराज आलम और जेडीयू विनोद कुमार सिंह के मैदान में उतरल बा। वो जी आरजेडी के पूर्व नेता गुलाब यादव अपन पत्नी अंबिका गुलाब यादव और बीजेपी के पूर्व मेलसी रहल सुमन महासेठ निर्दलीय पर्चा भरल बढ़न। ऐसन में मेराज आलम के वोट गुलाब यादव काटतारन। वो जी सुमन महासेठ